वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइज़? आप सब आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और हम भी एकदम ठीक ठाक से हैं। सो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश। और ये फेस वॉश जो है वो ब्रश के साथ है, ये हमारी स्किन को क्लींस और हाइड्रेट रखता है और हमारे स्किन के अपीयरेंस और टेक्सचर को करता है मॉइस्चर एंड एंटी ऑक्सीडेंट रिच एक्टिव स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और एवरी यूज़ के बाद हमारी स्किन क्लीन एंड फ्रेश दिखने लगती है। और ये फेस वॉश डेड स्किन को भी हमारे फेस से अच्छे से रिमूव करता है, हमारी स्किन को डीपली क्लींस करता है और हमारे स्किन को स्मूथ एंड फ्रेश ग्लो देता है। एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। गाइस अभी देख सकते हो आप, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ फ्रेश एंड ग्लो दिखने लगी है। तो अभी चलिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता। स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है एंड इसके सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है लाइक सल्फेट पैराबेंस एंड सिलिकॉन एंड कलर। गाइस मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर ये फेस वॉश आपको परचेज करना है तो आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट सभी पर अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है तो चलो अब बारी आती है थोड़ा सा अपने आप को मेनटेन करने की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप को मेनटेन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ और उसके बाद बस सिंदूर बिंदी लिपस्टिक इतना ही लगाना है। तो चलो फटाफट से हो जाते हैं तैयार, फिर आप लोगों से मिल कर रही हूँ। और अभी मैं जाने वाली हूँ किचन में और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है तो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि आज क्या बनने वाला है। और काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि जब ये डिश हमारे घर में बन रही है, तो ये लॉकडाउन का ही मज़ा है। और अक्सर पीछे कैमरे में कुछ ना कुछ बदमाशी करते हैं, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, शैतानी में बहुत मन लगता है। ये देख सकते हो आप, बाबा से मम्मी ने जो है वो तरबूज कट करके रखा हुआ है, तो पहले मैं इसको खा लेती हूँ और फिर उसके बाद फटाफट से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि एक बार काम में लगने के बाद ना खाने पीने का होश नहीं रहता है। छेले का रसगुल्ला खाने जा रहा है। और ये कहाँ काट रहा हूँ तुम? ये भी मैं इमली जो है वो भिगो करके रख देती हूँ, थोड़ी देर तक ये भीग जाएगी आराम से। यहाँ पर जो है वो तरबूज इस तरीके से देख सकते हो कपड़े में लपेट करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में अभी जगह नहीं, ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में स्टोर कर दिए गए हैं कि फ्रिज ना पूरी फुल हो गई। और यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैं उनको भी वॉश कर ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मटर को मैं अच्छे से 2-3 पानी में धुल लूँगी खूब अच्छे से, फिर देखूँगी कोई कंकड़ वगैरह होगा तो वो भी देख लूँगी। और उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर मैं हरी धनिया हरी मिर्च सब कुछ अच्छे से धुल करके काट लूँगी। तो और अभी मैं यहाँ पर मटर जो है वो बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और आलू जो है वो बॉईल हो चुका है, तो अभी मैं उसको बैठ करके छील लूँगी आराम से एक जगह। अभी थोड़ा सा गर्म है हल्का हल्का, तो देख सकते हो मैंने इस तरीके से फैला के रख दिया है छन्नी वाली थाली में और एक एक करके ही छील ले रही हूँ।
तो सब्जी वाले को रोकते हैं। मम्मी कहाँ गई, दादी को बुलाओ, मिर्चा ले लीजिए मिर्चा। कैसे दिया मिर्चा? मिर्चा 30 रुपए किलो, 10 रुपए पाओ। एक पाव दे दो, तीखा है? चलो बैठो बैठो। कौन सा लेशन पढ़ोगी? अध्याय कौन सा पढ़ेगी? शन कहाँ है? शन शन है, ये शन है। प्यास लग गई है तो मैं आ गई हूँ बाहर, बैठ करके पानी पी लेती हूँ। और ये देखो सरदार लड़की गेट से बाहर भाग रही है, अध्याय बाहर नहीं जाना, चल अंदर। ये पूरा दिन गेट के बाहर निकलती है और जरा सा भी अगर मिस्टेक हो जाए ना तो ये पूरा वहाँ तक गली तक निकल जाती है। और मम्मी इसमें बाहर है ना सब्जियाँ खरीद रही, और ये सब्जी वाला इसकी बैकग्राउंड से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हमारी कम आ रही है। तो चलो अभी मिर्चे हमें मिल गए हैं और मिर्चा लेके चलते हैं किचन में। और जब कुछ नया बनाने जाओ ना तो कुछ ना कुछ कम पड़ जाता है, मिर्ची ख़त्म थी तो सब्जी वाला आया था, मैंने कहा मिर्ची ले लूँ। और अभी मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ प्लेट में डाल करके। हाथी राजा बहुत बड़े, पढ़ो, हाथी राजा बहुत बड़े। गए हैं बाहर, बादल फिर से हो रहा है क्या? कैसे लग रहा है? आज कुछ स्पेशल बनने वाला है और मम्मी की पसंद का बनने वाला है। बताइए सबको क्या बनने वाला है? ये चाट बनने जा रही है घर पे, आप लोग इनवाइट हैं, आप लोग भी आइए। तो आज सबका मन था कि चाट बने, तो पूरी फैमिली के डिमांड पर जो है वो चाट बन रही है। सबका मन है चाट खाने का, लॉकडाउन में सब बाहर का कुछ मिल नहीं रहा है, वैसे ज़्यादा कोई खाता नहीं है, लेकिन आज जो है इतने दिनों बाद, मतलब ये समझिए बहुत दिनों बाद, पूरे 5-6 महीने के बाद हमारे घर पे चाट बन रही है। तो बहुत दिन बाद ये मौका आया है और ख़ास बात ये है कि सभी लोग घर पर हैं तो इससे अच्छी और कुछ बात हो ही नहीं सकती है। और जब घर में सारे लोग होते हैं तभी बनाने खाने का खूब मन करता है, और इस टाइम पर सबके यहाँ खूब अच्छी अच्छी डिशेज बन रही हैं, है ना? तो आप लोग भी आ जाइए, मम्मी सबको बुला रही हैं। और ये देखो आद्या पूरे टाइम आजकल पढ़ाई करती हैं। फिंगर दिखा दो, फिंगर सबको दिखा दो, फिंगर दिखा दो, फिंगर दिखा दो, फिंगर नीचे, फिंगर बाय कर दो, बाय करो, टाटा। आद्या कहाँ है? ये है आद्या। और दद्दा कहाँ है? ये है, सबको जानती हूँ। अभी मैं टिक्की के लिए यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर रही हूँ, और मैश करने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ इसमें मसाले ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और वाइट सॉल्ट इतना ही ऐड करने वाली हूँ। तो चलो अभी फटाफट से कर लेते हैं। देख सकते हो टिक्की हमारी जो है वो बन रही है, और इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता, बहुत कम तेल में बनी, बहुत ज़्यादा है। लाइट भी कट गई है, तो लाइट कट गई, मम पियोगी? लो एकदम चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है, और ऊपर से साड़ी भी बहुत ना, ये थोड़ी सी पहनने में तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बट ये जो थोड़ा सा इसमें वर्क हो रखा है ना, इसकी वजह से इचिंग जैसे हो रही है पहनने पर। और प्यास लगी है बेटा को, और अक्षत
अब गर्मी मत खेलो नहीं और पसीना आएगा। जो है वो कॉफ़ी बन गई है तो सबको दे देते हैं। और ये देख सकते हो आप हमारी चाट बन करके वो रेडी हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए और सब लोग मिल करके बैठ के साथ में खाते हैं। और चलो अभी आपको दिखाते हैं पापा का रिएक्शन। कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना तो हम लोग पापा खाने बैठते हैं तो मैं मम्मी को भेजती हूँ कि आप जा करके पूछिए ना कैसा बना है, तो बस वही मम्मी बगल से बैठ गई हैं और पापा से पूछ रही हैं कि कैसा बना है। तो अभी आपको पापा जी बताएंगे कि कैसा बना है और ससुर जी का रिएक्शन। हाँ घूम ही जाना है वो, देखो पापा से पूछो चाट कैसी बनी, पूछो बोलो। चलो भाई चाट देख करके अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है तो पापा और ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सास बहू दोनों लोग खाएंगे। और अभी पापा और ये खा चुके हैं तो मैं और मम्मी जो है वो खाने जा रहे हैं। और आज लॉकडाउन में बढ़िया हो गई हमारी पार्टी, चाट पार्टी हो गई। और सही बताऊँ ना तो मार्केट वाली चाट से ना घर वाली ज़्यादा अच्छी होती है ना, बस थोड़ी सी मेहनत पड़ती है उसी आलस में ना लगता है कि फटाफट बाजार से मंगा लो और खा लो, कौन बनाए इतना झाम झाम करे। मम्मी ने बड़ा पसीना दबाया है। हाँ पसीना पूरा निकलने लगता है किचन में गर्मी से, है ना। और जब बढ़िया ठेले में मिलता है तो आराम से खरीद के खा लेते हैं। अगर मम्मी गर्मी लगती है तो मम्मी फैन चला लेती है। चलो तो बस अब हम लोग खाने जा रहे हैं, तो चलो आज हम लोग की बढ़िया चाट पार्टी हो गई। तो चलो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल।